सब्सक्राइब कीजिए हरिदन नर्सिंग गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल हरिदन नर्सिंग गुरु में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हृदय रोग के घरेलू उपचार के बारे में। हृदय रोग एक आम समस्या है और यह समस्या भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में व्याप्त है। यह समस्या कई कारणों से उत्पन्न होती है एवं कई घातक बीमारियों को जन्म देती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से हृदय की समस्या को घरेलू उपचार के माध्यम से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। और हाँ दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे गार्लिक के बारे में, यानी कि लहसुन के बारे में। तो लहसुन नॉर्मली आपके किचन के अंदर अवेलेबल हो जाता है और जो लहसुन होता है उसके अंदर कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं एवं इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर आप इसको दैनिक दिनचर्या में यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आपकी कई हार्ट की समस्याएं सॉल्व हो सकती है या आपको हार्ट की समस्या से निजात मिल सकता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका हमको यूज़ करना चाहिए और किस किस प्रकार के इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो गार्लिक यानी कि लहसुन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एवं सामान्य मात्रा में कई प्रकार के पोषक तत्व जैसे पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिंक, विटामिन ए एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं। और इस गार्लिक के यानी कि लहसुन के कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसा कि सबसे पहले यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करता है। जैसे कि बहुत सारे व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, अगर वो लहसुन का यूज़ करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है, यह खून का जो थक्का होता है उसको बनने से रोकता है एवं साथ ही खून को पतला करने का भी काम करता है। अगर खून पतला होगा तो खून का थक्का भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारी धमनियों के अंदर नहीं बन पाएगा एवं साथ ही यह ब्लड प्रेशर की समस्या को भी खत्म करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम करता है एवं साथ ही हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, ऐसे फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो उस नुकसान से भी यह हमको दूर करता है, यानी कि इट वर्क एज ए एंटी ऑक्सीडेंट। तो एंटी ऑक्सीडेंट की तरह भी यह काम करता है। अब कई व्यक्तियों के मन में प्रश्न उठता है कि हम गार्लिक का यूज़ किस प्रकार से करें। तो सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो है सुबह खाली पेट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सुबह सुबह आप क्या करें, खाली पेट लहसुन की दो कलियों को आप चबा सकते हैं। अगर चबाना नहीं चाहते तो आप क्या करें, उसको क्रश कर लें और क्रश करने के बाद में एक गिलास गर्म पानी में उसको घोल लें और घोलने के बाद में उसको पी लें। इस प्रकार की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। अगर इस प्रकार की प्रैक्टिस आप डेली करेंगे तो आपकी हार्ट की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही आप क्या, जब भी सब्जी बनाते हैं तो उस टाइम भी आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों में। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक मसाले के बारे में, जैसे कि टर्मरिक। तो टर्मरिक हमारे भारतीय खाने में बहुत ही प्रचुर मात्रा में यूज़ किया जाता है। इसके अंदर कई पोषक तत्व होते हैं, साथ ही इसके कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। और इस टर्मरिक का इस्तेमाल आप किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे कि आपकी हार्ट की समस्याओं से निजात मिल सकता है, तो आइए देखिए। अब हम बात करते हैं टर्मरिक के अंदर पाए जाने वाली पावरफुल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि पोषक तत्व के बारे में। तो टर्मरिक के अंदर एक पोषक तत्व पाया जाता है जो कि हल्दी के पीले कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम है क्यूर्क्यूमिन। तो क्यूर्क्यूमिन क्या करता है, हमारी हार्ट की मांसपेशियों को
प्रोटेक्ट करने का काम करता है एवं साथ ही इसके कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी सूजन हो जाती है तो सूजन को कम करने का काम करता है, कैंसर को फैलने से रोकता है एवं हमारे शरीर के अंदर कभी कभी इस प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस नुकसान से भी ये हमको दूर रखता है, उससे हेल्प करता है। और हमारे शरीर में जो आर्टरीज होती है जिसमें खून बहता है तो उसके अंदर प्लेक को बनने से रोकता है, क्योंकि प्लेक बन जाती है तो जो हमारी खून की नलियाँ होती है वो सकड़ी हो जाती है, सकड़ी होने की वजह से थक्का बनने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, अगर थक्का बनेगा तो अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं से भी हमको निजात देता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, खून को पतला करता है, साथ ही हमारे ये दिल को हमेशा जमा रखता है यानी कि खुशनुमा बनाए रखता है, तो इसके कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से हमको हल्दी का यूज़ करना चाहिए। तो आप जैसा कि जानते हैं आपके किचन के अंदर नॉर्मली हल्दी अवेलेबल होती है, तो आप इसका डेली इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों के अंदर। तो आप क्या करें, जैसे कि कभी भी सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा सा इसका जो पाउडर है, हल्दी का जो पाउडर है वो थोड़ा सा आप छिड़क सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं। या आप क्या करें, जैसे कि जब भी आप दूध पीते हैं तो दूध पीते समय एक चम्मच आप उसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अदरक के बारे में यानी कि जिंजर के बारे में। तो जिंजर नॉर्मली हमारे किचन के अंदर अवेलेबल होता है और बहुत सारी चीज़ों में हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं, तो आइए देखते हैं इसके किस प्रकार के बेनिफिट्स हैं और किस प्रकार से हम अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसा कि आप चाय पीने के शौकीन हैं, स्पेशली मसाला चाय, तो उसके लिए आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप जैसे कि जो जिंजर है, अदरक का इस्तेमाल अगर डेली करते हैं तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर की समस्या 8% कम हो जाती है और कोरोनरी आर्टरी की समस्या 13%। कोरोनरी आर्टरी जो कि हृदय को खून पहुंचाने का काम करती है, तो कोरोनरी आर्टरी की समस्या भी कम हो जाती है। और इस प्रकार की समस्या तभी कम होगी जब आप डेली 2 से 4 ग्राम अदरक का इस्तेमाल करेंगे। और इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है एवं शुगर के लेवल को भी कम करता है, यानी कि डायबिटीज़ की समस्या से भी निजात हमको मिल जाता है। अब बात आती है कि अदरक का इस्तेमाल कैसे करें। चाय के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या अदरक को आप अच्छे से कूट कर एक गिलास गर्म पानी या गुनगुने पानी में इसका इस्तेमाल करके इसको छानकर आप उस पानी को पी सकते हैं। इससे आपकी जो हार्ट की समस्याएं होती है वो कुछ हद तक दूर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं ग्रीन टी के बारे में। तो ग्रीन टी के अंदर कई प्रकार की पावरफुल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, तो आइए देखते हैं क्या इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं और क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और इसका यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। अब हम बात करते हैं, ग्रीन टी एक प्रकार से नेचुरल हर्बल होम रेमेडीज़ है जो कि कई प्रकार की छोटी बीमारियों में काम आती है और कारगर साबित होती है, क्योंकि इसके अंदर एक पावरफुल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसका नाम है एपिगेलो कैटचिन गैलेट। इसके कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ये क्या काम करती है, हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि नॉर्मली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या फूड के डाइजेशन या इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि प्रदूषण या धुएँ की वजह से हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियों को जन्म मिलता है, हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं। तो हार्मफुल फ्री रेडिकल से ये फाइट करती है, तो इस प्रकार की कंडीशन को कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स है उसको ये मारने का काम करती है। अगर इस प्रकार के आप हेल्थ बेनिफिट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, 5 से 6 कप ग्रीन टी डेली पिएं, तो जिससे आपका हार्ट जो होगा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो ग्रीन टी बनाने के लिए आप क्या करें, 1 गिलास गुनगुना पानी आप करें या गर्म कर लें, उसमें ग्रीन टी के पत्ते डालकर
कुछ टाइम के लिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट के लिए उसको रखे रहने दें। उसके बाद में उसको आप छान कर पानी को करीबन दिन में 5 से 6 बार यूज़ करें, जिससे कि आपको हेल्थ के बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और आपका हार्ट भी सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट आता है कैप्सिकम, यानी कि शिमला मिर्ची। तो शिमला मिर्ची नॉर्मली हम सब्जियों के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, और सामान्यतः ये जो कैप्सिकम होती है, शिमला मिर्ची होती है, हमारे किचन के अंदर अवेलेबल हो जाती हैं। तो कैप्सिकम के अंदर एक पावरफुल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि उसके स्पाइसी फ्लेवर यानी कि तीखेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसका नाम है कैप्सिकम। और इसके कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, शुगर को कंट्रोल रखता है, और हमारी हार्ट की जो मांसपेशियां होती है उसमें भी खिंचाव को कम करता है, और हार्ट की मसल में जो मोटापन होता है उसको भी ये कम करता है, हमारी बॉडी के वेट को कम करता है, हमारी जो धमनियां होती है जिसमें खून बहता है, जो आर्टरीज होती हैं उसमें प्लेक के निर्माण को यानी कि फॉर्मेशन को कम करता है, और साथ ही खून को पतला करता है, खून का थक्का होने से रोकता है। तो इसके कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट आता है ब्रोकली। तो ब्रोकली यानी कि फूल गोभी, यानी कि ये हरी फूल गोभी होती है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि ये हमारे किचन के अंदर यूज़ की जाती है, इसका हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कई प्रकार के इसके अंदर पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो ब्रोकली एक प्रकार से क्या होता है, ब्रोकली के अंदर कई प्रकार के पावरफुल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारी बॉडी को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, और कई प्रकार की हार्ट की बीमारियों से भी दूर रखती हैं। तो जो लोग हार्ट की बीमारी से ग्रसित हैं, वो डेली उनकी डिश में हरी फूल गोभी यानी कि ब्रोकली होना चाहिए, या आप सलाद की तरह भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सलाद की तरह और डेली आप सब्जियों में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी वजह से आपकी हार्ट की समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे फेन्युग्रीक सीड्स के बारे में, यानी कि मेथी के दानों के बारे में। तो मेथी के दाने आप नॉर्मली किचन के अंदर यूज़ करते हैं, तो किचन के अंदर ये नॉर्मली अवेलेबल भी हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप सब्जियों में कर सकते हैं, आप इसका अचार बना सकते हैं। तो इसके कई प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, कई प्रकार के इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए देखिए क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फेन्युग्रीक सीड्स होता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार के फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो वो हार्ट की डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उस फ्री रेडिकल्स को ये मारने का काम करता है, जिससे हार्ट की समस्या भी दूर हो जाती है। ये हमारी आर्टरीज़ को बिल्कुल क्लियर रखता है, प्लेक नहीं बनने देता है। अगर प्लेक बनती है तो ब्लड क्लोटिंग होने लगती है, तो ये क्लोट होने से भी रोकता है, खून को पतला करता है और खून की नलियों को साफ रखता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने का काम करता है। अगर आप इस प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स चाहते हैं, तो आप क्या करें, नाइट में आप इन बीज को आप पानी के अंदर भिगो दें, और सुबह सुबह आप इसका इस्तेमाल करें एज ए ब्रेकफास्ट। अगर एज ए ब्रेकफास्ट आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आप कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, और हार्ट की समस्याओं से भी आपको निजात मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।